हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान सोल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सबके पेट्स वगैरह ठीक से होंगे। आज की अपडेट हमारी होने वाली है एरवाना के ऊपर। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एरवाना के लिए। मैंने सोचा इतने टाइम से मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे रहा था अपनी एरवाना की, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक खास वीडियो करते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को पता लगेगा कि भाई किस तरह मैं अपनी एरवाना को रखता हूँ, किस तरह वो ग्रो हो रही है, क्या इसको मैं फीड करता हूँ, क्या इसका फीडिंग रूटीन रखता हूँ, क्या वाटर चेंज करता हूँ। सारी डिटेल हम एरवाना की इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गैस, ये टैंक है मेरा एरवाना का और सामने ही आपको स्विम करते हुए मेरी एरवाना नज़र आ रही होगी, जो कि माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी मैं लाया नहीं था। इसका साइज़ जो था, जो मैं लाया था, 5-5.5 इंच होगा, और अब वाजे इसका साइज़ के अंदर डिफरेंस आया है। बीच में ये थोड़ी बीमार हो गई थी, जैसे कि इसकी फिन जो पैरेट ने और सेवराम ने इसको थोड़ा डैमेज कर दिया था, लेकिन अब जाके ये बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल एक्टिव है, और उसके स्केल वगैरह जो डैमेज हुए थे वो भी ठीक हो चुके हैं। और ये मेरी तीसरी एरवाना है। पहली एरवाना भी जम करके मर गई थी, दूसरी एरवाना बीमार हो गई थी, और जिसकी वजह से उसने ऑस्कर वगैरह ने उसको खा लिया था, या ऑस्कर ने इसको मार दिया था, ये मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है। और इसी वजह से मैंने ऑस्कर को अलग कर दिया था, जो कि मैंने इन फ्यूचर मुझे बाद में डालूंगा। अभी इसके अंदर जो इसको एरवाना को मुझे ग्रो करना है, अपनी एलिगेटर गार का है, एलिगेटर गार को ग्रो करना है, बाकी इन मॉन्स्टर फिशेज को थोड़ा ग्रो करना है, थोड़ा ग्रूम करना है, ताकि ये अपने मॉन्स्टर कैरेक्टर में आ जाएं। उसके बाद फिर ये ऑस्कर के मॉन्स्टर कैरेक्टर के साथ अच्छे तरह लड़ सकती हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं। तो इसकी वजह से मैंने अभी ऑस्कर को, सेवराम को अलग कर दिया। और बाकी एरवाना का अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, तो यार एरवाना बहुत ही एक मज़ेदार फिश है। इसको मैं अपने लफ्ज़ों में बताऊं तो मुझे ये बहुत एटीट्यूड और बहुत एरोगेंट फिश लगती है, जो कि इसका लुक ही ऐसा है जिसका लुक ही बताता है कि मैं बड़ी एरोगेंट हूँ। और ये एरवाना के अंदर सबसे बेसिक एरवाना होती है, सिल्वर एरवाना। तो पहले मैंने ये सोचा था कि सबसे पहले मैं बेसिक एरवाना के ऊपर सीखूं कि एरवाना कैसे रहती है, किस तरह रख सकते हैं, और मुझे अब जाके अंदाज़ा होता है कि मुझे काफ़ी हद तक एरवाना को रखना आ चुका है। एरवाना के टैंक में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है टॉप कवर। ठीक है, टॉप कवर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि एरवाना करती है जंप, जिसकी वजह से आपकी एरवाना मर भी सकती है। ये बिला वजह में जंप कर देती है और जिसकी वजह से मर जाएगी। सबसे पहले मैंने इस टैंक में रखा था एक एरवाना, जिसमें एरवाना जंप करके मर गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इस टैंक के अंदर हाइट इसकी इतनी है तो शायद जंप ना करेगी, लेकिन ये इसने जंप करके मर गई थी। तब भी अब मैंने जो सेटअप किया एरवाना का, तो उसके अंदर ये टॉप कवर लाजमी रखा हुआ है मैंने। बाकी एरवाना के टैंक सेटअप की बात करें तो देखें, बिल्कुल बेसिक सा टैंक सेटअप है, कोई इसके अंदर फैंसी डेकोरेशन वगैरह मैंने नहीं रखे, क्योंकि इसके अंदर अभी मैं अपनी सारी मॉन्स्टर फिशेस जमा कर रहा हूँ, जो कि माशाल्लाह पीछे आप देख रहे होंगे शोवल नोज है, सामने एरवाना है, बीच में रेड टेल कैट फिश है, और इधर मेरी गार है जो कि बीमार थी, अब माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो चुकी है, और ये सिल्वर शार्क भी हैं, तो और ये एल्बिनो शार्क है। तो ये टैंक इसी तरह का एरवाना के लिए सही रखा है। बाकी ऑस्कर और जो फिश इसको बुली करेगी, क्योंकि ये अभी छोटी है, ठीक है, इसको दूसरी फिश, मॉन्स्टर वैरायटी की फिश बुली कर सकती हैं, तो इस कोशिश यही करनी है आपको कि इसको इस तरह की फिश के साथ नहीं रखें शुरू में, कि जो आपकी फिश को बुली करे या आपकी फिश के ऊपर अटैक करे, इससे आपकी एरवाना मर सकती है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही है, तभी मैंने अपनी ऑस्करों को उठा के दूसरे टैंक में रख दिया था, जिसकी वजह से अब एरवाना बहुत हेल्दी, बहुत एक्टिव है। बाकी मैंने इसके अंदर बस एक आध मेडिसिन यूज़ की थी, जो कि बेसिक जनरल एड होती है वाली मेडिसिन मैंने यूज़ की थी, उसकी वजह से एरवाना के ऊपर जो स्केल वगैरह जो डैमेज हुए थे वो अब जाके रिकवर हो चुके हैं, और इसके जो फिन वगैरह थे वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके कम्प्लीट रिपेयर हो रहे हैं, जो कि देख रहे होंगे आप लोग, उसके स्केल जो है माशाल्लाह से वगैरह जो ठीक हो गया है, इसके जो स्केल होते हैं, फिन वगैरह बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। और इसको एरवाना की जो फीड वगैरह अगर मैं करता हूँ, फीड की अगर बात करें तो फीड इसको मैं कराता हूँ नॉर्मल पैलेट, ठीक है, नॉर्मल पैलेट के साथ साथ मैं इसको कभी कभार चिकन वगैरह खिलाता हूँ, जो कि एरवाना के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में एरवाना की आप डाइट मेंटेन अच्छी करेंगे तो आपकी एरवाना ग्रो होगी और वो खूबसूरत होगी। जैसे कि अभी आप मेरी एरवाना देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना प्यारा सा रेड सा शेड आ रहा है पीछे, और फ्रंट से ये सिल्वर सी है, ये करीब से आती है तो दिखाता हूँ, देखिए कितना अच्छा शेड आ रहा है इसका। तो ये सारा डिपेंड करता है डाइट का। अगर आप सिर्फ उसे पैलेट ही खिलाते रहेंगे अपनी फिश को, अपनी एरवाना को, तो वो इतनी अच्छी तरह ग्रो नहीं होगी, ना ग्रूम होगी। तो आप अपनी फिश को हफ्ते में एक दफ़ा ही इसको चिकन या बीफ हार्ट या उसको चिकन हार्ट तक भी खिला सकते हैं, उससे आपकी एरवाना बेहतरीन ग्रूम हो जाती है, जो कि मैं खुद यही कर रहा हूँ, मुझे इसका रिज़ल्ट भी अंदाज़ा हो रहा है। और अगर आप लोग भी अपने पास एरवाना रखना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहला सजेशन तो ये होगा कि भाई आप फीडिंग अच्छी करें। फीडिंग अच्छी करेंगे आप अपनी एरवाना को जल्दी जल्दी ग्रो कर पाएंगे, उसके लुक्स को इन्जॉय कर पाएंगे,
उसका जो एक ऑरा है उसको आप देख पाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग छोटी एरवाना रखते हैं, उसको पुअर डाइट रखते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्दी भी नहीं होती है और किसी न किसी वजह से वो मर जाती है। तो आप अपनी फीड को सबसे पहली प्रायोरिटी रखें कि आप फीडिंग अच्छी करें आपकी फिश को। और बाकी इसके वाटर टेम्परेचर वगैरह की बात करें तो देखिए, वाटर टेम्परेचर इसका मैं जो रखता हूँ भाई 32 मेंटेन रखता हूँ। मैंने एक स्पीकर लगाया हुआ है यहाँ पर, तो 32 पे इसको मैं मेंटेन करता हूँ। मेंटेन करने के लिए मैंने हीटर लगाया हुआ है। हीटर मैंने इसलिए लगाया था कि मैं अपनी गार को ट्रीट कर रहा था, लेकिन अब गार माशाल्लाह से बेहतर हो चुकी है मेरी, देखिए स्विम वगैरह कर रही है अच्छे से। तो बस फीड अभी थोड़ा कोशिश करती है लेने की, लेकिन फीड ले नहीं पाती है वो, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी फीड ले लेगी। और गार जो है ना एरवाना का बहुत अच्छा टैंक मेट है, मैंने इन दोनों को कभी एक दूसरे को बुली करते हुए नहीं देखा। बाकी ये लोग जो अभी टैंक में मौजूद है ये तो सारे अपनी दुनिया में मगन हैं, और इवन कैटफिश भी अपनी दुनिया में मगन है। और शोवल नोज क्या बताऊँ, तो शोवल नोज बहुत अच्छी कैटफिश है, इधर उधर स्विम करती रहती है, फीड वगैरह भी लेती है। और यार मुझे अभी फिर से याद आया कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं इंडिया से, उन्होंने कहा था कि यार मुझे ये RTC की फीडिंग करना सिखाएं, और मैं हमेशा भूल जाता हूँ उनके लिए, तो मैं वीडियो में उससे सॉरी करता हूँ भाई, क्योंकि यार देखें डेली बेसिस बहुत सारे काम होते हैं और सिर्फ रात का ही टाइम मिलता है जिसके अंदर हम मैं आके अपने टैंक के साथ बैठता हूँ और कुछ वीडियोस वगैरह करता हूँ, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मैं अपने फिश रूम में क्या कर रहा हूँ, क्या अपडेट है। तो जैसे कि आज मैं सोचा कि एरवाना की अपडेट दूँ, जो कि मुझे आज मैंने इसको देखा ना, इसको नोटिस किया तो मुझे काफ़ी बड़ी बड़ी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया जाए कि मेरी एरवाना माशाल्लाह से अच्छी तरह ग्रो हो रही है। और मेन चीज़ तो मैंने आपको बताया नहीं, वाटर चेंज आपको हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा तो लाजमी करना ही करना है। अगर 2 दफ़ा आप किसी वजह से नहीं कर पाए, लेकिन हफ्ते में 1 दफ़ा 40% या 30% वाटर चेंज लाजमी करें। इससे आपकी एरवाना और बाकी ये मॉन्स्टर फिशेस वगैरह जो हैं, जो कि थोड़ी एग्जॉटिक होती हैं, इसकी ग्रोथ के अंदर, इसकी हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। तो वाटर चेंज हफ्ते में आप 2 दफ़ा करें। जैसे कि मैं तो ऐसा करता हूँ भाई, इतना पानी निकाल लेता हूँ नीचे से, जो थोड़ी गंदगी मुझे महसूस होती है वो सारी निकाल लेता हूँ, और इतना पानी निकालने के बाद मैं इसका पानी चेंज कर देता हूँ, जो कि 30 या 40% होता है, और हफ्ते में 1 दफ़ा करता हूँ, और जिसकी वजह से माशाल्लाह से एरवाना बहुत अच्छी जा रही है। एरवाना बिल्कुल भी पुअर वाटर को, गंदे पानी को बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। फ़ौरन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी एरवाना बीमार है, वो बहुत स्लो स्विम करने लग जाएगी। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आपके पानी की क्वालिटी सही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी एरवाना जो है कि वो स्लो ही भी है, कम्फर्टेबल नहीं है, और कम्फर्टेबल नहीं होती है शुरू में, रह लेती है ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो बीमारियों की तरफ जाती है, बीमारियों की तरफ जाती है तो तब वो मर भी सकती है। तभी आप वाटर क्वालिटी का खास ख्याल रखें, जिससे आप अपनी एरवाना अच्छी तरह आपके पास रख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जो कि मैं अभी तक ग्रो करता आ रहा हूँ। मैं उसी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं कोई रिसर्च नहीं की, कुछ नहीं किया, जो कि मैंने खुद प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल किया है। एरवाना के तरीके जो रखने के, वो सारे तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने अपने पास एरवाना रखी, और आप लोगों के सामने ही है कि जब मैं लाया था तो ये कितने साइज़ की होगी, इतने साइज़ की होगी, और अब इसका आप साइज़ देख सकते हैं, तो माशाल्लाह से काफ़ी ग्रो हो चुका है। अब मैं आप लोग को अपनी एरवाना को फीड करके खिलाता हूँ। मैं अपनी एरवाना को कभी हाई ग्रेड फीड कराता हूँ, कभी इसको मैं हेकारी खिलाता हूँ, कभी इसको मैं किको के पैरट खिलाता हूँ, जो फ्लावर हॉर्न को अक्सर खिलाते हैं हम लोग, और उसको बाकी चिकन खिलाता हूँ। बाकी अगर देखा जाए तो पैलेट जो है इसके हफ्ते में 6 दिन तो पैलेट चलते हैं, और 1 दिन जो होता है इसको मैं कभी चिकन खिलाता हूँ, कभी बीफ हार्ट खिलाता हूँ, कभी इसको मैं कोई प्रॉन खिला देता हूँ। तो मैं इस तरह की इसको हाई प्रोटीन लाइव फीड खिलाता हूँ। अभी मैंने इसको लाइव फिशेज फीड नहीं कराई इन लोग को, तो मैं बहुत जल्दी लाइव फिशेज इन लोग को फीड कराने वाला हूँ, क्योंकि अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं। तो मैं शायद कल मार्केट जाऊँगा तो मैं कुछ लाइव फिशेज लेके आऊँगा, फिर उसके बाद जाके उनको इस टैंक में छोड़ूंगा, और हम एक वीडियो बनाएंगे कि अपनी मॉन्स्टर फिशेज को लाइव फीडिंग किस तरह कराते हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो हो जाएगी, और इन लोग की पहली लाइव फिश फीडिंग हो जाएगी। तो मैंने ये पैलेट ले लिए, और मैं ये पैलेट डालता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद देखेंगे एरवाना किस तरह फीड लेती है मेरी। और ये एरवाना हमारी, यार ये क्या शीशे की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अब दिखाता हूँ। हाँ ये फोकस हो गया, देखिए किस तरह फीड ले रही है, ये जिस तरह फीड लेती है ना मुझे मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि इसका फेस देखे ना बिल्कुल अलग फिश होता है बाकी फिश उसके मुकाबले में। तो ये मुंह जिस तरह खोलती है, देखें पहले जिस तरह खाती है, तो एक अलग ही मज़ा आता है इसको देखने में। जब उसको मैं फीड कराता हूँ तो मुझे इसको देखता हूँ कम्प्लीटली फीडिंग खा जाती है सारी फिशेज, तो मुझे मज़ा आता है। बाकी ये सब भी आ चुके हैं भाई ऊपर फीड वगैरह लेने, तो देखें ये चुन चुन के इधर उधर फीड वगैरह लेती रहती है।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की अपडेट आप लोग अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देगा, आजकल बहुत कमेंट्स कम आ रहे हैं आप लोग के और लाइक्स वगैरह भी बहुत कम कर रहे हैं, तो भाई लाइक ज़्यादा करें। हम टारगेट रखते हैं कम से कम 50 लाइक्स तो इस वीडियो पे मुझे चाहिए आपकी एरवाना वाली वीडियो पे, और देखते हैं कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी बात मानती नहीं मानती। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।